नमस्ते दो सारे जो मैं कृतिका कटोच कन तो हां दिखाए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केलांग शरद उत्सव का शुभारंभ किया। इदे कन्ने उन्हें इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च की। योजना के तहत जिला दी हजारों महिलाओं जो 1500 रुपए की राशि मिलनी है। इदे अलावा जिले विच करीब 70 करोड़ की विकास तम योजनाओं का उद्घाटन करने शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 110वां एपीसोड अर्की विच भाजपा विधायिका अधिकारियों कने कार्यकर्ताओं कने दिखाया। इस दौरान पीएम मोदी बोले कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र अगले 3 महीने तक मन की बात का प्रसारण नहीं किया जाना है। हिमाचल के 59 शहरों वास्ते नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाना है। भवन बनाने वास्ते स्ट्रक्चर डिजाइन कने इंजीनियर रिपोर्ट होना जरूरी है। सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारत सरकार उड़ान 5.1 रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम के तहत हैलीपोर्ट बनने ने। इदे वास्ते केंद्र सरकार ने योजना के तहत 52 करोड़ रुपए बजट जारी किए। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की तैयारियों के चलते धर्मशाला स्टेडियम में पर्यटकों की एंट्री बंद करी दी। मैच के बाद ही हूँ बाहरी राज्यों के प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले पर्यटकों जो स्टेडियम में प्रवेश मिलना है। भारत इंग्लैंड का टेस्ट मैच 7 मार्च होना है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर 30 मार्च जो पहली परीक्षा आयोजित करने जा रहा। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांझटा ने बताया कि 30 मार्च जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 के पद वास्ते परीक्षा आयोजित की जानी है। मनाली चुन दिना पर्यटकों की काफ़ी भीड़ दिखने चु मिले। 100 लग्जरी बसा समेत 2 दिनों में मनाली 1200 से अधिक पर्यटकों के वाहन पहुँचे। ये चलते होटलों में ओक्यूपेंसी 65% पहुँची हुई। प्रदेश में तापमान च गिरावट आने से सब्जियों के दाम भी आसमान छूना लगी पे। सर्दी में लोग लहसन कने अदरक का सबसे ज़्यादा सेवन करते, लेकिन इस बार इन्हों के दाम बड़े ज़्यादा हुई हो। हिमाचल च मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 26, 27, 29 और 1 मार्च जो प्रदेश के मध्य कने उपरी हिस्से में बारिश बर्फबारी की संभावना है। कुल्लू जिला के नगर ग्राएं च ट्रैकिंग पर गए महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत हुई है। कैंप में बेहोश की अवस्था च मिले उपचार वास्ते पतली कुल्ह लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबर दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।